अस्सलामुअलैकुम, एक और न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। तो सबसे पहले मेरी वाईटी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर को और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो तीनों दिन की वीडियो बनी है पर भाई वालों के आने की वजह से बहुत बिजी और बहुत ही बेहतरीन सी ईद गुजरी। और ईद कैसी गुजरी ये मैं अब आप लोगों को अपने व्लॉग के थ्रू बताऊंगी कि ईद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी गुजरी। और भाई वालों ने अचानक अपना प्लान बताया कि हम आ रहे हैं, तो उससे हम सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए। बच्चे भी बहुत खुश हो गए और मैं और अली भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि फैमिली के साथ जो है ऐसी त्यौहार मनाने का मज़ा ही कुछ और है। अकेले शायद हम इतना नहीं करते, लेकिन भाई वाले जब आ गए ईद पे तो हमारे ईद का मज़ा जो है दुबाला हो गया। और ये है फर्स्ट डे ईद का व्लॉग। और तकरीबन दिन के बाद हमने शाम में डिसाइड किया कि हम करेंगे बारबेक्यू। और प्लेस का नाम आपको बताऊं, हम आए हैं एयरपोर्ट हाइट्स पे। तो एयरपोर्ट हाइट्स इस जगह का नाम है, और एयरपोर्ट हाइट्स इसलिए इस जगह का नाम है क्योंकि यहाँ से पूरा एयरपोर्ट नज़र आता है और रनवे, पूरा रनवे नज़र आता है। आप लोग जो है पूरा रनवे देख सकते हैं जहाज़ को आते हुए जाते हुए। और बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा प्लेस है, दिन की से ज़्यादा ये रात में बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि वो पूरा ओमान और उसकी लाइट्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं। और जो है बहुत ही कोई ज़बरदस्त प्लेस है। यहाँ मैं और अली पहले भी आ चुके हैं, हमने अकेले बारबेक्यू की थी तो वो मज़ा हमें नहीं आया था। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि हमने बहुत इन्जॉय किया है, तो फैमिली के साथ जो है वो बहुत ही मज़ा आता है ऐसा गेट टुगेदर, और ख़ासकर बारबेक्यू का प्लान किया जाए तो। तो यहाँ से जो सबसे बेहतरीन जो काम है और जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है वो भाई और अली कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना काम जो है वो घर पर कर दिया था। तकरीबन दोपहर में ही हमने मैरिनेशन कर दी थी मैंने और भाभी ने कि रात को ये प्लानिंग करेंगे, और तकरीबन 6 से 7 घंटे मैरिनेट हुआ है हमारा मसाला। लेकिन अगर ओवरनाइट मैरिनेशन हो तो खाना जो है वो और बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू बनता है। तो हमने जो है जितना टाइम हमें मिला हमने 6 से 7 घंटे जो है वो मैरिनेशन कर दी थी। और यहाँ भाई और अली जो है अपना काम कर रहे थे। ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि इस टाइम बहुत शदीद गर्मी है और बिल्कुल भी हवा नहीं थी, हवा बिल्कुल बंद थी। और खाने में मैं आपको बताऊं, मैंने चिकन मैरिनेट किया था, चिकन टिक्का, और मटन की हमने बूटियां बनाई थी, और बीफ का हमने जो है वो कीमा मैरिनेट करके सीख कबाब के लिए बनाया था। तो ये था हमारा सिंपल सा मेन्यू, और बस इतना ही मेन्यू तैयार कर सके, लेकिन बहुत ही कोई यमी और मज़ेदार सा बना था। भाई और अली वहाँ अपना काम कर रहे थे और यहाँ हमने सीखों पे जो है वो बोटियाँ लगाना स्टार्ट कर दी थी। तो तकरीबन उनको आधा घंटा लगा था कोयलों को जो है वो रेडी करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोयले रेडी हो गए थे और हमें ऑर्डर आया कि अब आप लोग जो है वो सीख पे जो है वो बोटियाँ लगा दें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। तो कोई बहुत ही मज़ा आ रहा था, सिर्फ हम नहीं थे और भी बहुत सारी फैमिलीज़ थीं, और हमारे सामने तो एक और पाकिस्तानी फैमिली थी, और इतना कोई इन्जॉय कर रहे थे सब के ना पूछें। लेकिन गर्मी थी लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो जनाब यहाँ पे जो मोस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ कि गर्मी में ये बारबेक्यू बहुत कम होती हैं। जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाता है, मीन्स नवम्बर दिसंबर, तो इन पार्क्स में आपको जगह ही नहीं मिलती, बिल्कुल जगह नहीं मिलती, और फिर आप लोगों को वेट करना पड़ता है। और कोई और फैमिली जाए और वो बारबेक्यू फिनिश करे तो फिर वो आप लोगों को कहेगी कि आप आएँ। और ज़्यादातर मोस्टली होते हैं ओमानी। ओमानियों का मैं आपको जो मेन चीज़ बताऊँ, वो उनकी हॉबी होती है कि वो ऐसे पहाड़ों पर आके और जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और पूरी पूरी फैमिलियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जो दुबई वाले होंगे या दूसरे जो अरब वाले लोग होंगे वो इस चीज़ को वाकई समझेंगे कि पहाड़ों पर अक्सर वो पूरा अरेंजमेंट करके वो लोग अपने आते हैं, लाइट्स वगैरह। पर इन पार्क्स में हर चीज़ की अरेंजमेंट है, आपको लाइट्स भी लाने की ज़रूरत नहीं है और अंगीठियां भी लाने की ज़रूरत नहीं है। पर हमने जो है कुछ चीज़ें, हमने यही सोचा कि ऐसे ना कि लेट हो जाए, तो हमने अपनी अंगीठी भी उतार ली थी, लेकिन खड़े होकर ये लोग थक गए थे तो इन लोगों ने इस प्रोसेस को नीचे करना स्टार्ट कर दिया। और ये रही हमारी मज़ेदार सी जो है, बोटियाँ भी रेडी हो रही हैं और सीख कबाब भी रेडी हो रहे हैं, और सीख कबाब तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हैं। और हमने भाभी को टेस्ट कराया कि आप देखें कि कच्चे तो नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ पे कह रही हैं कि बहुत ही कोई यमी सीख कबाब बने हैं और बिल्कुल
जो है ना फुल कुक हो चुके हैं। तो जनाब सीख कबाब यहाँ रेडी हो रहा था, और बारबेक्यू में ऐसे ही होता है कि जैसे जैसे चीज़ें बनती जाती हैं वैसे ही वैसे आपको खाना पड़ता है। और अगर इंतज़ार किया जाए कि नहीं तमाम चीज़ें जो है एक साथ बने और फिर वो दस्तरखान लगे तो वो मज़ा नहीं रहता। तो बच्चे भी यहाँ इंजॉय कर रहे थे, और जो दूसरी फैमिलीज़ यहाँ पे थी, मैंने इसलिए वॉइस ओवर करी हूँ क्योंकि सब ने जो है वो सॉन्ग्स वगैरह चलाए हुए थे, और फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि हमने क्या क्या बातें की हैं। अदा ताम उठायो जबरदस्त भैया। आहा यानी थोड़ा चखे रे जूस ना कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक चिकन जे फातिमा खा रही है चिकन। मोहम्मद इते दिसो हाय मैम चिकन दूँ होती जी। तो यहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने आप लोगों से बताया कि किस तरीके से हमने अपना एंजॉय किया, और बहुत ही कोई ज़बरदस्ती जो है वो हमारा बारबेक्यू हुआ। चटनियाँ सैलेड ये सब मैं घर से रेडी करके आई थी, और पूरा एक प्लान था हमारा, और अगर आप प्लान करके आए तो हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम तो अपनी बूटियाँ इंजॉय कर रहे थे, और बच्चों के लिए यहाँ हमने कोयलों पे बनाए न्यूडल्स। तो यकीन कीजिए इतने कोई ज़बरदस्त न्यूडल्स बने थे, और बच्चों के साथ साथ हमने भी न्यूडल्स इंजॉय किए, और माशाल्लाह बच्चों ने मज़े से अपने नूडल्स खाए। क्योंकि हमारी जो है बूटियाँ वगैरह वो फ़ातिमा और मोहम्मद और मरियम जो है इतने शौक़ से नहीं खा रही थी, तो फिर उनके लिए हमने कहा कि ठीक है हम जो है वो बनाते हैं नूडल्स, क्योंकि भाभी ने कहा इसमें उठा लो कोयलों पे इजीली बन जाएगा। और यहाँ हमारा बारबेक्यू ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका था, और कोयलों पर जो हमने चाय बनाई थी ज़बरदस्त चाय हमारी बनी, और यहाँ बच्चे जो है वो नूडल्स इंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं। तो आज का दिन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा गुज़रा, और जो दिन में हुआ वो मैं नहीं कैप्चर कर सकी, वो रीज़न ये था बच्चों को हमने तैयार किया था। माशाल्लाह फातिमा ने यही ड्रेस पहना था शलवार कमीज़, और मरियम ने भी शलवार कमीज़ पहनी थी। ज़रूर फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट टाइम इनको पहनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी कि फ़ातिमा और मरियम ने ईद पर क्या पहना था, क्योंकि अगर वीडियो के बनाने में लग जाती तो फिर ये मेरीनेशन वगैरह नहीं हो सकती थी, और हमें जो है अपने डे को अच्छा सा स्पेंड करना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी YouTube फैमिली से शाम की वीडियो शेयर करूंगी कि हमने अपना ईद का फर्स्ट डे जो है वो कैसे सेलिब्रेट किया। और जो आपको सही बताऊं मेन चीज़ थी भाई वालों की आने की। तो यहाँ पे चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और भाई और अली गर्मी में बहुत ही जो है इन लोगों ने ये सारी चीज़ें तो इन लोगों ने मेंटेन की, और भाभी ने जो है वो बच्चों को देखा, और मैंने भी इन लोगों के साथ हेल्प कराई। तो सब ने मिलजुल के जो है अपना डे स्पेंड किया, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, और बहुत ही कोई मज़ा आया। तो ये थी वो मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की कि हमने अपना ईद का फर्स्ट डे कैसे गुजारा, और फैमिली जब पूरी हो तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ हमने अम्मा और बाबा को भी मिस किया, लेकिन उन लोगों ने वहाँ यूके में अपना डे बहुत ही ज़बरदस्त गुजारा है, और अल्लाह पाक ऐसे ही सबको खुश और आबाद रखे। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, और हमने अपना टाइम बहुत बेहतरीन गुजारा। अब यहाँ से वापसी की तैयारी है, और इस टाइम भी आप देखें पूरा मस्कत आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये व्यू बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा था। ज़रूर आप लोगों से शाम में आके इस पार्क को की वीडियो ज़रूर कैप्चर करूंगी, और आप लोगों के शाम में भी इसका व्यू दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, और आप लोगों को बताया कि अपना ईद का फर्स्ट डे कैसे गुजारा। अब इंशाल्लाह जल्द ही सेकंड डे और थर्ड डे की वीडियो भी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।